अक्सर हमारे कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको सर्विस कैसे करनी है वो आपको खोल के बताएंगे। फिर जेड में कचरा आ जाता है, यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे यहाँ से पेट्रोल जाता है, यहाँ से पेट्रोल नहीं जा पा रहा होता, यहाँ पे कचरा आ जाता है, पाइप कटी होती है तो पाइप का कट पीस आ जाता है। तो आज हम यहाँ से खोल के आपको बताएंगे। खोलो, चार लाख के दो कबूतर। यहाँ से हम ये नट खोलेंगे, यहाँ से भी कार्बोरेटर की एडजस्टिंग रहती है। बाजी देखते नहीं जितते आप। ये जेड रहता है, इसमें कचरा आ जाता है। सबसे मेन जो इंजन हमारा फड़फड़ करता है, आवाज़ ही करता है, तो यहाँ पे कचरा होता है। इसे हवा के प्रेशर से हम साफ कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें कोई ब्रीक सी तार लगाएंगे तो उसे का कचरा अंदर से साफ करेंगे। तो इस तार की मदद से हम साफ करेंगे इसको। देखिए वहाँ ब्रीक से कचरे होते हैं, वो इस तार से हम साफ कर देंगे और हवा मार देंगे, हवा प्रेशर से मार देंगे, तो यहाँ से ये जेड साफ हो जाएगा। इसी जेड के कारण ये इंजन फटफट की आवाज़ करने लगता है, रेस कम ज़्यादा होने लगती है, जिससे हम बोलते हैं कि इंजन में दिक्कत आ रही है। तो पहले इस जेड को हम साफ करें के लगाएंगे। लगाइए दोबारा फिट कीजिए। ये देखिए अंदर से भी हवा मार के साफ कर देना है, वो देखो पानी से अगर रुका हुआ है वहां पे अब लगा देना है जेड को। जेड को इस तरीके से लगा देना है हमने दोबारा। उसके बाद इसका ऊपर वाला पेच लगा देना है। इस पेच को लगा देना है। इस पेच में भी एडजस्टिंग होती है, यहाँ पर भी एडजस्ट करने से कार्बोरेटर इंजन सही काम करने लग जाता है। ये रही हमारी ऊपर वाले जेड की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम मशीन में कार्बोरेटर लगता है उसकी सर्विसिंग की वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। खोलिए जी सर, ये नीचे वाले ग्लासी को 10 नंबर स्पैनर की मदद से खोल लेना है। यहाँ पे पानी जमा होगा, कचरा होगा, उसको साफ कर देना है। ये जेड इसे बाहर निकाल लेना है, पिन को बाहर निकालना है। बाहर निकालने वाले इस जेड पैंट को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ना कचरे आ जाते हैं, ठीक है, इसमें और यहाँ पे भी। इसे हवा मार के प्रेशर से अच्छे तरीके से साफ करना है, हवा प्रेशर से मानिए। इसमें कचरा आ जाता है यहाँ पे, जेट लग गया वो नीचे अंदर जैक लगा हुआ है, यहाँ पर भी है जैक और यहाँ पर भी है। इसे अच्छे तरीके से साफ करेंगे हम, पर लगाएंगे। यहाँ से हम अंदर वाले जैक को भी खोलेंगे, इसे भी खोलकर साफ करेंगे। आपको खोल के दिखा रहे हैं, कार्बोरेटर का जैक यहाँ से खोलेंगे। ये जैक रहा जैक, इसे भी खोल के हमने हवा लगा देनी है, हवा से प्रेशर से मुंह से साफ कर लेना है। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसमें तार लगा देनी है, तार से साफ कर देना है। अंदर से कुछ भी कचरा होगा, पेट्रोल में जो कचरे होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो पेट्रोल नहीं आने से उन्हें साफ कर देना है। इस तरीके से हम कार्बोरेटर का सर्विसिंग करेंगे। यहाँ से जेड को अच्छे तरीके से साफ कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से तार हम घुमा देंगे, हवा भी मार सकते हैं, अगर हमारे पास हवा अवेलेबल है, हवा वाला पंप हो रहा है तो वहाँ से ये छोटे छोटे से सुराख हो रहे हैं तो इनमें कचरा आ जाता है, तो ये बंद हो जाते हैं। अच्छे तरीके से हम साफ कर देंगे। ये हमने साफ कर दिया पूरा, बटन को भी अच्छे तरीके से लगाना है। यहाँ पे चूल खोला है ना, इसमें कचरा होना लाजमी होता है, इसे अच्छे तरीके से साफ करना है। यहाँ पे कचरा रहेगा
तो ये दिक्कत देगा। इसे अच्छे तरीके से साफ करके फिर लगाना है। यहाँ पर हम जेड पहले ये वाला टाइट कर देंगे। इसी तरीके से हमने दोबारा इसको फिट करना है। पेट्रोल से ही साफ करना है इनको, डीजल या पानी नहीं लगाना, पेट्रोल से ही साफ करना है। अब ये जेड लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो नीडल ब्रीज की होती है, इसे देख के हमें लगा देना है। यहाँ पर देखिए ये बारीक बारीक से सुराख हैं, यहाँ से सुराख आ रहा है, यहाँ से ही कार्बोरेटर हवा लेता है तो अंदर यहाँ तक जाती है हवा। यहाँ से जब हमने जेड खोल के साफ करा है ना, तो यहाँ से हवा जाती है, तो ये साफ करने सारे कार्बोरेटर की हवा लगानी ज़रूरी हो जाती है। इस तरीके से हम कार्बोरेटर की सर्विसिंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फिट कर देंगे इसे, तो हमारा ये कार्बोरेटर की सर्विस अच्छे तरीके से हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कार्बोरेटर में दिक्कत आ रही है, अगर फिर भी नहीं चल रहा है, तो ये अंदर से जाम हो रहा है, तो ये चेंज करना पड़ेगा, आप इसे चेंज कर दीजिए फिर, अगर नहीं चल रहा है मशीन। हमने कार्बोरेटर की सारी वीडियो आपको दिखा दी है, कोई दिक्कत और परेशानी अभी भी आ रही हो तो आप इस कार्बोरेटर को चेंज कर सकते हैं। कार्बोरेटर को सर्विस करने के बाद यहाँ पे जैन लगा होना ज़रूरी है, ये जैन लगा होगा, उसके बाद कार्बोरेटर को हमने ये साइड वाला यहाँ पे लगा देना है, उसके बाद ऊपर एक और जैन लगेगा। यहाँ पे पाइप लगानी है पहले, ये देख रही है एक वर्नर वाली पत्ती, तो पत्ती लगा देनी है, उसके बाद ये पाइप लगा देनी है, और पाइप ये स्प्रिंग भी लगा देना है कार्बोरेटर में, यहाँ पे सुराख में स्प्रिंग डाल देना है, उसको आगे फिर जैन लगेगा, ये जैन लगा के हमने एयर फिल्टर लगा देना है। चोक हमने ऊपर रख दी है, एयर फिल्टर लगा देंगे, यहाँ पर एयर फिल्टर के दो नट लगे हुए हैं, इन्हें टाइट कर देंगे। कार्बोरेटर लगाने के बाद हमने यहाँ से हवा निकाल लेनी है, वो नीचे वाला साइड वाला नट आना है, इसे खोल देना है, तो वहाँ से पेट्रोल आ जाएगा, तो हवा निकलेगी, उसके बाद इसे स्टार्ट करना है मशीन। देखिए हमने पुराना कार्बोरेटर रिपेयर किया है, इस पुराने इंजन में रिपेयर किया है, कार्बोरेटर से लगाया है, पहली किक पे स्टार्ट हो गया।